प्रश्न संख्या जो है ना प्रश्न नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है नगवारी त्रिभुज बना हुआ है PQR कौन सा त्रिभुज है PQR बीच में है O बीच में क्या है O समझते हैं बीच में ABCD आगे यहां पर क्या दिया है समझिएगा जहां ABCD इसके समांतर है यहां पे A है यहां पे क्या हुआ हां इसी प्रकार यहां पर भी है AC कथी है AC एक कथी है BC है इसी तरह से है ना देखो तो एक बार सबको देखो देख लिया चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान दो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि AP समांतर PQ और AC समांतर PR है गिवन क्या है सो देखो दिया है हेलो त्रिभुज PQR में कौन से त्रिभुज में PQR त्रिभुज PQR में देखो अच्छे से PQ समांतर है किसके AB के दिया भी है AB समांतर PQ AB समांतर है किसके पढ़ने आता है ना सबको और एक चीज दिया है AC देख लो अच्छे से AC समांतर है किसके PR इस बात को भी लिख लो AC समांतर है किसके PR तो साबित करना है कि BC समांतर PR तो साबित साबित करना है कि BC समांतर करना है कि BC समांतर है किसके PR के ये हमको साबित करना है ना बुआ तो जो पहले दिया है ना उसी त्रिभुज में चलेंगे PQ समांतर दिया है बीके ना जी ये भी समांतर दिया है किसके PQ के तो पहले कौन त्रिभुज में अच्छा रहेगा OPQ में OPQ देख रहा है कि सब या OQP भी लिख सकते हैं ये त्रिभुज ना रहेगा चलते हैं पहले त्रिभुज किस में देखेंगे अब त्रिभुज त्रिभुज OPQ में देख के बताइए कि ये भी समांतर है किसके PQ के तो तुम बताओ कौन फार्मूला से थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से भुजा अनुपातिक होगा हां भुजा क्या होगा अनुपातिक अनुपातिक होगा तो देख के बताइए कि हम लिख सकते हैं OA बटा AP OB बटा BQ हां चलो हां हां तो OA बटा AP बराबर OB बटा ये बात केकरा ने समझ में आता है वो आ रहा सबको समझ में नहीं किसको नहीं आ रहा नहीं लोगों को आ रहा है करें ठीक है आते इस त्रिभुज में OPR में या ORP उसमें बोल सकते हैं पुनः चलेंगे किस त्रिभुज में POR में डबल OR रहता है तो पूरा रहता है देखिए वो चलते हैं POR में चलेंगे तो देख के बता AC समांतर है किसके AC समांतर है किसके PR के OA बटा AP OC बटा CR के CR CR पहले OA बटा कथी रे AP बराबर CR OC बटे समीकरण देख के बताई एक दूने LHS बराबर है LHS बराबर है RHS क्या होगा RHS बराबर हां RHS बराबर है अभी समीकरण 1 एवं 2 से आगे बना ले भाई बना लेगा लिख लो ना 1 केवल ना तो फिर दिक्कत हो जाती फिर तू को कह दे कि हमरा नहीं आता समझाना ना पड़ेगा उसी बटे क्या लिखेंगे CR देख के बताओ OB बटे BQ है लिखा हां OC बटे CR है लिखा हां एकर मतलब है कि BC समांतर किसके हैं QR अतः BC समांतर किसके जनना पतला सबसे चौथा बिल्कुल सही समझिए आप नोट कीजिएगा जल्दी से